राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर नहीं है तो भाई साहब देखो अपना ध्यान, नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज जा रहा हूँ मैं जिम, कम से कम नहीं तो 4-5 दिन की छुट्टी के बाद। सोना मैं जल्द नहीं जा रहे क्योंकि कार्तिक के यहाँ से स्कूल से मैसेज आ गया था, तैयार हो रहा था स्कूल से, मैसेज आ गया कि 4th क्लास तक के बच्चों की छुट्टी है ड्यू टू द पॉल्यूशन। भाई साहब कार्तिक तो फूले ना समा गया, वो तो दिवाली बन गई उसकी आज ही, तो इसलिए सोनम जा नहीं पा रही क्योंकि उसको संभालने वाला कोई आ रही है। बस मैं अपनी आ गई है ब्लैक कॉफ़ी पी के सीधा जाएंगे जिम। और वैसे भी आज मारनी है लेग्स, क्योंकि लास्ट टाइम लेग्स पे छोड़ी दिया, लेग्स ही मारूंगा, देखता हूँ क्या होता है। तो तुम नहीं जाओगे सोनम ना? फिर शाम को चले आना, नहीं तो शाम शाम को नहीं जाती मैं। और पूरे घर में ना आजकल छन 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 पायल की लगी पड़ी है इनके। ठीक है, बाकी करते हैं अपना थोड़ा बहुत मील खाते हैं, सीधा जिम मिलता हूँ मैं आपसे। शूट पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं पाऊंगा क्योंकि अकेला हो, पॉसिबल देख होगा तो कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो स्कूल नहीं गया, क्या हो गया? अरे स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया ये तो बता दे, मजा आ रहा है? कैसे लगा कार्तिक, कैसे लगा सुन के कि छुट्टियां पड़ गई? मजा आ गया कार्तिक। अच्छा बता तो दे, कैसा लगा सुन के तेरे को कि छुट्टियां पड़ गई? नहीं बताएगा? राम 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 राम, आज तो अपने आप राम राम बोल दिया। नहीं तेरे को कैसा लगा सुन के छुट्टियां पड़ गई स्कूल की? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। रिद्धि बेचारी परेशान है यार, बहुत भेजी गिरी पड़ी। चल मैं जिम जा रहा हूँ, ठीक है? कल चल रही तू मम्मी, क्योंकि कल भी तुझे संभालना पड़ेगा। चल मैं भी नहीं जिम जा रहा यार, चलो भाई मैं जा रहा हूँ जिम। और मेरे को पीछे से पता क्या कह रही है, कबाड़ी। मैं शक्ल से लगता हूँ कबाड़ी, तुम हो कबाड़ी। ठीक है जा रहा हूँ, कार्तिक आ गया फिर पीछे। चलो जिम जाके मिलता हूँ। और बाहर पता कोहरा हो रहा है एकदम, कोहरा नहीं है ये पोल्यूशन है यार। ये देखना अभी सारा ये पोल्यूशन है टोटली। अभी बाहर रोड पे दिखाता हूँ, ये टोटल पोल्यूशन। सूर्यदेव भी नहीं दिख रहे, ओम सूर्यदेव। टोटल पोल्यूशन हो रहा है इसका, ये फॉग नहीं है। और मैक भी यार, स्मेल भी आ रही है, गलत चीज होने की। जाते ही गुरु जी पता क्या बोलेंगे, भाई साहब बहुत छुट्टियां मारते हो यार, क्या करोगे तुम, बहुत छुट्टियां मारते हो। देखना रिकॉर्ड उनकी तरफ ही रखूंगा, नीचे रखूंगा, देखते हैं क्या बोलते हैं। अभी साइकिलिंग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए जिम करा नहीं ना, थोड़ा बॉडी वार्म अप ज़रूरी है। 5-7 मिनट साइकिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा और वार्म अप, फिर स्क्वाट्स लगाएंगे। पर गुरुजी ना करवाएं, खुद ही कर लूँ। वैसे करवा लें पर तेल निकाल देंगे यार आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए करी नहीं ना, रिदम नहीं पर टूटा हुआ है। बाकी कोई नहीं, आ भी जाएँ तो जय श्री राम उठा देंगे। बड़े दिनों बाद जिम करो ना, बॉडी ज़्यादा थकती है। रेगुलर करते रहो फिर नहीं होता इतना महसूस। वैसे भी मज़े मज़े में हैवी स्क्वाट्स वगैरह लगा लिए, लेग प्रेस हैवी लगा लीजिए 125 किलो की। वैसे अब गर्मी के चक्कर में लो फील कर रहा हूँ, कोई सोनम नहीं है इसलिए ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ। सोनम नहीं आई, बाकी आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद सीधा घर। जिम जाना है और जा रहा हूँ सीधा घर। अरे तो है, 3-4 दिन रेस्ट करके आऊँ, वेट आराम से उठाया जाता है जहाँ तुमने नहीं भी उठाया। अरे भाई स्टेज नहीं उतरी जा रही, जर्क आ रहा है, टांग सीधी ना ऐसे हो रही है। आराम से उतरता हूँ, चौधरी बनने की जरूरत नहीं है।
एक्चुअली क्या बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ ना, 4-5 दिनों बाद ऑलमोस्ट। ये हफ्ता तो 1-2 बार ही गया, बस 4 दिन छुट्टी गई, करवा चौथ से पहले करवा चौथ के बाद भी। कल शायद सोनम भी आए, बाकी सीधा घर जाके मिलता हूँ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। आटा गुनना आता, मैं गुन भी देता तुम्हारे लिए। सही बता रहा हूँ। खाना तो यार सबको ही आता है। चलो क्या बोल रहा था तू? पापा को कैसे करेगा? मारूंगा। पापा को मारेगा? ये तूने देख सारी जो पेंटिंग बनाई हुई ना पीछे दीवार पे। हाँ। तेरे से पैसे लूंगा, समझ गया? पेंटिंग तो अच्छी है मेरी। पेंटिंग अच्छी होती है, तेरे को पटक पटक के मार दूंगा। चल नाश्ता ले आ यार, आज नाश्ते में है मेथी के परांठे। यार तुम्हारे में अंदर अंदर की बात जान जाता हूँ। यार जिम करके आया हूँ ना, लेग्स हो रही है बहुत ज्यादा पेन यार, कसम से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पेन हो रही है आज, और अभी कल ज्यादा पेन होगी क्योंकि आज तो फिर भी कहते हैं ना एडजस्ट करके आया हूँ तभी लग रहा है। बाकी नाश्ता आ रहा है, नाश्ता करके सीधा पुर, ठीक है। अभी इन्होंने मैडम ने सुबह सुबह मशीन भी लगाई हुई है कपड़े धोने की, सारा तहस महस करा हुआ है घर को। एक तो घर छोटा, ऊपर से तहस महस करा हुआ है, पर हिम्मत है भाई साहब। मैंने अभी कल शरारत को बोला था मेथी के परोंठे खाने की इच्छा है, सुबह भाई साहब आटा ही गूंथ दिया। तो थोड़ा टीवी देखता हूँ, साथ नाश्ता करता हूँ, सीधा फैक्ट्री जाना है, फ़ोन बजने स्टार्ट हो गया। ब्रेकफास्ट कर लिया, जा रहा हूँ, पर एक गलती होती है हमेशा मुझसे, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ हैवी, फिर आती है सुस्ती। देख रहे भी जैसे परांठे खा लिया ज़्यादा, अब आ रही है सुस्ती यार खा के, पर कोई नहीं चलते हैं। दुकान जा रहा हूँ अब, पर मौसम ना ठीक नहीं है वैसे, महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है मास्क ले लूँ, एक मास्क लगा के चला करूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी मुंह खोल के सांस लो ना अंदर ऐसे पार्टिकल्स जाते हैं, थोड़ा फील हो रहा है। मास्क ले लूँगा, मास्क पहन के जाऊँगा, बाकी जा रहा हूँ शोरूम अब, देखते हैं क्या है। अब के टाइम थोड़ी गर्मी लग रही है, सुबह शाम ठंड लगती है, मौसम ही बेकार है। जहाँ तो पिछला टायर पंचर है या बहुत हवा कम है, बबलिंग कर रही है, ज़्यादा तेज चला रहा हूँ ना, इसलिए भैया स्पीड धीरे चला रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। दुकान तक पहुँचे फिर देखते हैं क्या करवाते हैं। चल भाई शोरूम तो पहुँच गए, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, हिसाब किताब लिख ले बस अपना। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब कोई गाड़ी से अगर आ रहा हो ना यहाँ, कम से कम पहुँचे, अगर उसने 3-4 किलोमीटर का भी सफ़र तय करना है ना, तो मान के चलना कम से कम उसको टाइम चाहिए 2 घंटे। जब बाइक में 35-40 मिनट लग रहे हैं तो लगा लो आप, उसमें कितना टाइम लग जाएगा आपका। बाकी ठीक है, देखता हूँ अगर शाम को जितना शूट हो पाएगा, नहीं तो फिर घर जाके देखेंगे क्या व्लॉगिंग कर पाएंगे। बाकी कमेंट में ना कुछ सजेशन दे दिया करो यार, फ्री है एकदम, कुछ भी लिखोगे सब फ्री है, कोई पैसे नहीं कटेंगे। हाँ भैया कुछ ऐसा करो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ एक जैसा सेम कंटेंट दिखा रहा हूँ, पर देखा जाए डेली ब्लॉगर्स अब चक्कर है, मैं भी काम वाला हूँ यार, वही रूटीन है, सुबह स्कूल जाना, जिम जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, शॉप पर आना। अब जो डेली ब्लॉगर्स हैं वैसे वो टोटली ब्लॉगर हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं भाई, अब मैं कैसे करूँ? मैंने प्रण तो ले लिया 30 दिन का, पर कोई नहीं, अब चलता जाएगा, जा तो वो जाने या मैं जानूँ, ठीक है जी। बाकी काम निपटाते हैं आज का, इसी बात पे बोलते हैं जय श्री राम, जो कि आप नहीं बोलना, मन में ही बोल दो जय श्री राम। बाकी शोरूम आने के बाद जैसे कि सबको पता है अपना सबसे पहले जो काम होता है, मेरी कोशिश थी इस दिवाली पे पूरा करने को, पर मुश्किल ही है, मतलब रहते हैं अभी, चाहूँ तो हो जाएगा पर मुश्किल है कि मैं एक दिन में 1 पेज लिखता हूँ या मैक्सिमम कभी 2 लिख देता हूँ, पर वो बहुत कम चांस होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो हो सकता है दिवाली तक, और ये दिखाने का मोटिव सिर्फ इतना ही है यार।
कि कोई वो नहीं चाहिए, कोई नंबरिंग नहीं चाहिए, मतलब मैं कैसे बताऊँ, सिर्फ एक भाव वाली बात है, सिर्फ मन में ही कोई 108 बार प्रभु का नाम ले लो। देखो यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं पहली बात तो बता दूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा भाव ऐसा ही है, ठीक है ना, मतलब कि मैं उनमें से हूँ, मैं सब कुछ प्रभु पे छोड़ने वाला हूँ। खुद मेहनत करते हैं, हमें पता है मेहनत तो करनी पड़ती है, पर कभी एक बार पता ना मेन हेडक्वार्टर वही है, तो इसलिए बस चाहे वो भगवान का नाम वाहिगुरु है, अल्लाह है, राम है, मन में जरूर लो यार, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, लिखता हूँ मैं अभी। सभी को जी गुड इवनिंग है, संध्या होगी है, ठीक है जी, हम चले धूपबत्ती करने, और दोपहर को कुछ खास करा नहीं, और बस ऐसे ही बैठे हुए थे, काम वाम पे लगे हुए थे, मतलब अब धूपबत्ती करने के लिए धूपबत्ती करके जाऊँगा मंदिर, फ़ोन लगा रहा हूँ यहाँ पे चार्जिंग पे, तो मंदिर तो मैं शायद आपके दर्शन ना करा पाऊँ क्योंकि फ़ोन में एक बैटरी नहीं है, तो ठीक है जी, मैं मिलता हूँ आपको, फिर सीधा घर ही मिलूँगा शायद मैं, क्योंकि अभी आके काम है, कोई आने वाला है, तो वैसे व्यस्त हो जाऊँगा, तो सीधा घर जाके मिलूँगा आपको। रिकॉर्डिंग हो रही है, बता दू चलो जी रात हो गई है, अब जा रहे हैं घर, दुकान पे एज यूजल मैं यही बता पाता हूँ आपको, अब ये करा जी, ज़्यादा शूट करने का होता नहीं, वही सारे बिजी होते हैं। सोनम ने मना मंगाए थे कुलचे, कुलचे मैं ले आया हूँ आज, सोनम स्पेशल बना रही है छोले कुलचे, और बस और कुछ तो नहीं है, पूछ लूँगा फिर भी फ़ोन मार के, कुछ और तो नहीं लाना, और ये हमारा परमानेंट हार बहुत ज़रूरी है भाई, एक सेकेंड है, एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है जी, जय गणेश। अब चल रहे हैं सीधा घर, घर जाके मिलेंगे, सोनम ने कहा है वहाँ पे व्लॉग एंड करके बताया करो, घर आके व्लॉग एंड करा। क्या बोला? राम राम। राम राम। कुलचे बेटा कुलचे, ये देख इसके काम भाई साहब, पैसा कुलचे छोले पतीले नहीं है, प्याज एक नंबर, इंजॉय। ये आ गई चटनी घर की बनी हुई, उसकी धनिया और दही की, आ रहा मुँह में पानी, आ रहा है। चलो जी खाना पीना हो गया, और खाना खा के आ गया मज़ा, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल डिनर, दो तीन दिन से अच्छा अच्छा खिला रही हो ना, लाओ गिफ्ट लो जो पति। अब जा रहे हैं जी हम वॉक करने, वहाँ देखकर काटते हैं तुम्हें, मैं देता हूँ ना गोली, दूंगा ना मैं तुम्हें अभी आराम से बाहर वॉक करते करते गोली दूंगा, तुम तो गोली से सेट हो जाओगे। चलो यार डिनर वगैरह कर लिया, डिनर करके आ गया बहुत सारा मज़ा, अब जा रहा हूँ मैं सोन के साथ वॉक करने, खाना हजम करने, तो इस ब्लॉग का भी मैं यही एंड करता हूँ, क्योंकि आके फिर एडिटिंग पे भी बैठना है, वो भी शायद नहीं तो सुबह उठ जाता हूँ मैं आजकल 6 बजे, एक डेढ़ घंटा स्कूल जाने से पहले मैं एडिट कर लेता हूँ। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है जी, जय सियाराम।